बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है, इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उसमें सब सोए हुए थे। ये जैसे अपने गांव के घेर में जा रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि अपने गांव के घेर में बैठा हूँ। बट जिस पे मैंने जूम किया वो मेरे वाला बेड था, मैं उस पे सोया हूँ। अगर जिंदगी जंड है और इंजीनियर हो तुम, तो आप सही जगह विराजमान है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं और दो आलू के पराठे, दो चाय का ऑर्डर दिया है। हेलो मनाली, हेलो हेलो मनाली। इट्स आवर डे वन इन मनाली एंड वी रीच मनाली एट यस्टरडे एट 6 इन द इवनिंग एंड बिसाइड मी फुली कवर्ड स्नो माउंटेन्स आर देयर। विक्रम का पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। और मैंने यहाँ पे होम स्टे लिया था, ये एक हॉस्टल है मैडपैकर्स, बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में मिला है और प्राइस था 200 रुपये पर पर्सन, तो काफ़ी अच्छा था। एक बंदे बिहार से थे, कोई बंदे छत्तीसगढ़ एंड साउथ इंडिया से थे, कुछ US से आए हुए थे और 5-6 बंदे थे। वो उनके साथ रात भर बैठ के चिल किया, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था कल में, बट अब शांति मिल रही है, हल्का हल्का पैरों में दर्द है। गाइस मैं रुका हुआ हूँ एक हॉस्टल में जिसका नाम है मैड पैकर्स और यहाँ पे मेरे को हॉस्टल मिला है 200 रुपये पर पर्सन और काफ़ी अच्छा था हॉस्टल। किचन भी थी, हमने रात अपने आप ही मैगी बनाई खाई, बट थके हुए थे, उसके बाद सीधा सो गया। कोई मॉल रोड वॉल रोड कुछ नहीं घूमा, बहुत शांति में मैंने जाके हॉस्टल लिया। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी लोकेशन, क्योंकि गांव में है, मनाली गांव में, ओल्ड मनाली में, पीछे पूरा गांव है, मेरे पीछे पूरा गांव है, दिखाता हूँ मैं आपको रेयर पे। एंड इवन अगर आप भी आ रहे हैं और आपको शांति पसंद है तो आप यहाँ पे जरूर रुकिए। विक्रम पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो अपनी हॉस्टल की टेरेस पे, और टेरेस पे जा करके मुझे ये व्यू मिला, एक तो पीछे ये वाला और एक पीछे वो वाला, ये इसमें कवर स्नो इतने अच्छे से नहीं आ पा रही है, और एक इसके पीछे ही वो वाला इसमें आ पा रही है, पीछे सनलाइट है इस वजह से नहीं आ पा रही। और मैं आपको अब दिखा दूँ अपना हॉस्टल, मेरा हॉस्टल कैसा है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है, ये जैसे अपने गाँव के घेर में जा रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है कि अपने गाँव के घेर में बैठा हूँ। यहाँ पे रात भर बैठ के इन्होंने चिल किया है, जो और बंदे हैं, मैं तो सो गया था। इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उसमें सब सोए हुए थे, बट जिस पे मैंने जूम किया वो मेरे वाला बेड था, मैं उस पे सोया हूँ, काफ़ी अच्छा था। बराबर में विंडो थी और एकदम सुबह उठते ही नजर गई स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे, मजा आ गया। फ्रॉम केरला एंड हिज नेम इज हाय ऋषि, ऋषि एंड ही इज आल्सो एक्सप्लोरर एंड ही फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम केरला एंड आई जस्ट रोमिंग लाइक आई वाज आई जस्ट वेंट टू उडुपी गोकर्णा गोवा पुणे गोकर्णा इज इन कर्नाटक एंड आफ्टर दैट बॉम्बे बॉम्बे से राजस्थान and now manali actually now with manali heading to kasol and we are also going to kasol youtube again don't please share in your youtube vlog okay and ye bhaiya mile hai mere ko ye hai my name is shikhar I just woke up that's why I'm looking so hazy and oh. I'm coming from delhi right now I haven't explored anything but kasol sorry manali this is my third time in manali but wow आप वापस मतलब आओगे नहीं अब? अभी स्टेयर से उतर रहा था हॉस्टल से और मुझे ऐसी चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जिंदगी जंड है और इंजीनियर हो तुम, तो आप सही जगह विराजमान है। हम 7 मीटर साथ भी यहीं आए थे वाओ व्हाट अ लाइन। ये यहाँ का रूट है और देखिए स्टेयर्स, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि
एकदम ओल्ड मनाली बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ पे लोकल लाइट्स के घर है, ऐसी जगह हमने स्टे लिया है। सी दिस, नाउ मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइस दिस इज ओल्ड मनाली और आपने वो देखा होगा जहाँ से मैं बाइक लेके आया हूँ। मेरा फोकस ओनली बाइक पे था, मैं इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाया। तो टोटली फॉरेनर का क्राउड है ओल्ड मनाली में, सब कोई यूएस, कोई यूके, कोई एम्स्टरडेम, कोई इजराइल। और आप देखिए बहुत ही अच्छा क्राउड है, बहुत प्यारा क्राउड है। तो गाइस हम चल चुके हैं, मैं और विक्रम हैं साथ में। हेलमेट यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि अभी चेकिंग थी, हेलमेट देखते ही उन्होंने हमें छोड़ दिया, कोई चेकिंग कुछ नहीं ली। और उसके बाद अब हम न्यू मनाली क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली से हम जाएंगे गुलाबा, फिर सीधा कसोल। तो अब थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाते हैं, कितना अच्छा रास्ता है, सामने का व्यू सीधे। सो गाइस सामने का नज़ारा देखिए, जन्नत है भाई जन्नत। और गाइज मैं जब पहली बार मनाली आया था बुल्ट 350 cc क्लासिक से, और गाइज सामने का नज़ारा सही में। और मैं फर्स्ट टाइम मार्च में मनाली की राइड कर रहा हूँ, और ये सामने HP का रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप आ चुका है। ये अभी खुला है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तब तो नहीं था ये। और गाइज यहाँ पे हेलमेट का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें अभी एक हाथ मिला था बट उन्होंने हमें जाने दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे सिर पे सीधा हेलमेट देखा और जाने दिया, क्योंकि हेलमेट से अपनी भी सेफ्टी है। और गाइस जैसे हम जा रहे हैं अभी सीधा गुलाबा, गुलाबा से सोलांग वैली और उसके बाद कसोल। सो गाइस कसोल हम जा रहे हैं अपने स्प्लेंडर पे, और उसके लिए तो बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। सो यही उड़ान हम अब सोलांग और कोठी गुलाबा की तरफ कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लग चुका है, और यहाँ पे ये जेसीबी खुदाई कर रही है, तो काफ़ी लंबा जाम है। ये देखिए वो विक्रम भाई और ये बागपत के कुछ बंदे मिले हैं, बहुत तगड़ा जाम है, और ये जेसीबी की खुदाई चल रही है, रूट बन रहा है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, और दो आलू के पराठे, दो चाय का ऑर्डर दिया है, और पीछे का व्यू ये है, और हम जा रहे हैं सोलांग की तरफ। रास्ता तो अच्छा है, रास्ता मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिए हैं, ऐसी रोड है बस। हाँ अगर आप मनाली आ रहे हो तो 60 से 70 किलोमीटर का पैच बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक था बाइक चलाना। नहीं क्या होता है,
ये हिंज रोप में, हिंज रोप जो लगी हुई है, ये एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, इस पर लटका के घुमाते हैं। तो यहाँ नहीं रहा, पहले आया था देखो वहाँ पे, शायद मेरा कैमरा हाथ फिसल रहा है क्या, अभी कोई नहीं है। चलो हम ही ट्राई करते हैं जाने की, कैसी आ गए। कहाँ तक जा रही है बाइक? थोड़ी सी आगे। चलो चलो ठीक है। बाइक हम आते हैं कॉफ़ी और इससे आगे जाना बंद है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आगे जाना मना है और पीछे का व्यू देखते हैं। ये यहाँ पे क्या है? ग्लास।